चूरी भूमिगत खदान रीओपन होने पर डकरा में कर्मवीर सम्मान समारोह आयोजित। 16 रेस्क्यू टीम हुए सम्मानित। सीसीएलएन के एरिया की ओर से डकरा वीआईपी सभागार में कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह चूरी भूमिगत खदान में आगलगी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर्मचारी अधिकारी मजदूरों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया। मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि रेस्क्यू टीम खदान में आग बुझाने में रात दिन एक कर सफलता पाई है। वाकई इनका कार्य काफी उत्कृष्ट रहा। वहीं इनके प्रबंधन के दिशा निर्देश और यूनियन प्रतिनिधि व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों का माइंस को रीओपन करने में सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में एकजुट होकर समाधान करना ही सीसीएल वृहद परिवार की पहचान है। एक माह के अंदर चूरी से उत्पादन शुरू हो जाएगा। कोयला उत्पादन लक्ष्य को श्रमवीर अपनी लगन और मेहनत के बूते हासिल करने में प्रयासरत है। कार्यक्रम को पी रंगनाश्वर, सुमित कुमार सिन्हा, बी के श्रीवास्तव, राजीव सिन्हा, ए के जीएम संजय कुमार आदि अधिकारियों ने संबोधित कर रेस्क्यू टीम को बधाई दिया। खबर 365 न्यूज के लिए खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। कानून के साथ हमारे आर एंड आर पॉलिसी में हमारा तरफ से अगर ड्यूस है जैसे अभी हम जमात मगर हमारा पाली कहीं कहीं नौकरी मतलब प्रोसेस है दे भी रहेगा। ये चीज़ मेरे साथ में कभी डिस्कशन बन गया वो बात है कोई भी पेंडिंग है तो टेक्निकल मामला है वो देख लेंगे। यूटिलाइजेशन इनके एरिया दिखा नहीं पा रहे हैं जिसके कारण तो देखना पड़ेगा। ऐसे एक मिनट में जो है तो देख के हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे जो भी हो। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।